الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا ونسرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلی صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرمائے. کلام الامام امام الکلام ان کے مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں گنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے جس راہ چل گئے ہیں گونچے بسا دیے ہیں گونچے بسا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ایک دل ہمارا کاہے آزار اس کا کتنا آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا فرما دیں کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو ہمارے قرابت داروں سے محبت کریں ان سے محبت رکھو. تیس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں امتیوں تمہیں میرے صدقے قرآن ملا میرے صدقے رمضان ملا میرے صدقے نماز ملی مگر بارگاہ خداوندی سے سب تمہیں کچھ ملا میرے صدقے میں رحمان ملا میرے صدقے میں قرآن ملا تو بارگاہ خداوندی سے سب کچھ ملا میں تم سے اس کا کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ تم میرے قرابت دار سے محبت اور مودت رکھو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
आपके कराबत दार कौन हैं? तो आपने फरमाया काला अली व फातिमतुन व वलदुहुमा। फरमाया अली और फातिमा और उनके बेटे। हजरत मोहतरम हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान मुकद्दस से मालूम हुआ कि कराबत दार से मुराद हजरत अली हैं, हजरत फातिमतु जहरा हैं, हजरत हसनैन करीमैन हैं, जिनके साथ अकीदत और मोहब्बत रखना हम सब पर वाजिब है और यही हमारा अकीदा है जिसे हम और आप पंजतन पाक कहते हैं। शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुकद्दस है अला इन मिथला अहली बैती फीकुम मिथलु सफीनति नूहिन मन रकिबहा रकिबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा हलक। मिश्कात शरीफ सफा नंबर 573 में बेशक मेरी अहले बैत की मिसाल तुम में कश्ती नूह की तरह है जो उस पर सवार हो गया नजात पा गया, जो उसके पीछे रह गया वो हलाक हो गया। तो फरमाने मुस्तफा के मुताबिक जिस शख्स ने अहले बैत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फरमा बरदारी की, उसके साथ मवद्दत मोहब्बत की, वो नजात पा गया। जिसने उनकी मुखालफत की वो हलाक हो गया। जिसे आले रसूल दा दुश्मन ई तेरा बेड़ा होना पार नहीं। समरकंदी की साहबजादी, समरकंद के इलाके में एक बेवा सैयदजादी रहती थी। गरीबी की वजह से उसके बच्चे फाका से थे। बच्चों ने जब माँ से रोटी का सवाल किया तो माँ की ममता तड़प उठी। मजबूर होकर एक मुसलमान रईस के दरवाजे पर पहुँची और उससे कहा ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे माल दिया है, मैं गरीब सैयदजादी हूँ, मेरे बच्चे फाके से हैं और उनकी भूख की शिद्दत मुझे तेरे दरवाजे पर ले आई है। तो उन्होंने उन्हें खाना खिलाकर अल्लाह ताला और उसके रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी कर ले। वो रईस जो कि अपनी दौलत के नशे में बदमस्त था कहने लगा कि बीबी तेरे पास सैयद होने की क्या दलील है? सैयदजादी ने आह भरी और कहा मैं तुझे सैयद होने की क्या दलील पेश करूं? ये कहकर वो आगे चल दी। कुछ दूर जाकर एक मकान पर दस्तक दी। मकान मालिक बाहर आया, दरवाजे पर बच्चों के साथ एक परेशान हाल पर्दा खातून को देखा तो पूछा बीबी क्या बात है? बीबी पाक ने फरमाया कि सैयदजादी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके भूख मुझे तेरे दरवाजे तक ले आई है। साहिबे खाना मुसलमान ना था बल्कि एक आतिश परस्त था, आग की इबादत करने वाला था। बीबी का हाल सुनकर तड़प उठा और आंखों में आंसू तैरने लगे। दिल में ख्याल आया ये औरत आले नबी है, औलादे अली है, मेरे लिए बड़ी सआदत मंदी है कि मुझे उनकी खिदमत का मौका मिल गया। फिर उस मजूसी ने अदब से कहा बीबी अंदर तशरीफ ले आए। फिर उस मजूसी ने उस सैयदजादी के खूब तवाजे की। जब रात हुई वो अमीर मुसलमान सोया तो ख्वाब में क्या देखता है कि मैदाने महशर कायम है, हुजूर आकाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत के एक महल के पास जलवा अफरोज हैं। तो उस अमीर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये महल किसके लिए है? फरमाया मुसलमान मर्द के लिए। उस अमीर ने कहा मैं भी मुसलमान हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया तेरे पास मुसलमान होने की दलील क्या है? फिर फरमाया तेरे दरवाजे पर मेरी बेटी आई थी, तूने उससे सैयद होने की दलील तलब की थी और तुझे शर्म नहीं आई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमाना ही था कि हजारों कतार रोता हुआ बेदार हो गया, जाग गया ख्वाब से। उस सैयदजादी की तलाश शुरू कर दी कि ताकि अपने जुर्म की माफी तलब कर सके। जब मालूम हुआ कि वो सैयदजादी फला मजूसी के घर में है तो वहाँ पहुँचा और उस मजूसी को कहा मुझसे 1000 रुपया ले लो, सैयदजादी को मेरे घर भेज दो। उसने कहा तुम अब सैयदजादी को अपने घर क्यों ले जाना चाहते हो? तो उस अमीर ने अपना ख्वाब बयान करते हुए कहा मुझे मेरे नबी ने धुतकार दिया है। तो उसने कहा
जिस आका ने तुझे धुतकार दिया, तुझे धुतकार दिया, उन्होंने ख्वाब में मुझे मिलकर मेरा मकसद, मेरा मुकद्दस संवार दिया। उस पाक बीवी के सदके मुझे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की ज्यारत नसीब हुई और उन्होंने मुझे और मेरे अहले खाना को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। वकाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता व अहलु बैतिका फिल जन्ना नुजतुल मजालिस जिल्दे दोम सफा नंबर 234 में कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू और तेरा अहले खाना जन्नत में। सुभान अल्लाह। तो समरकंदी की सैयदजादी का एहतराम करने से मजूसी को दौलत ईमान के साथ जन्नत में जन्नत भी हासिल हो गई। अब जरा गौर फरमाएं, जो मदीने वाले आका महबूबे रब्बुल उला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी इमामुल औलिया ताजदारे अहले अता की जानू मानो बानो हसनैन करीमैन की मादरे मेहरबा सैयदजादी शहजादी कौनो मका असमत का दुर्रे नेहा अफ्त का गंजे गिरा पैकरे शर्मो हया मंबए वफा मजदरे जूदो सखा मखजने लुत्फो अता सरापए सबरो रजा सूरते शमसुद्दुहा सीरते बदरुद्दुजा नक्शए खैरुल वरा जिगर गोशए रसूल मकबूल हजरते सैयदा बुतूल रदी अल्लाह ताला अन्हु से अनहा से अकीदत रखेगा वो क्यों ना कर जन्नती होगा, जिसकी अजमत और शान सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस तरह से बयान फरमाई कि जन्नती औरतों की सरदार हैं। मिश्कात शरीफ हदीस पाक में फरमाया, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ترضين ان تكوني سيد سيدة نساء اهل الجنه। رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے فاطمہ کیا تو اس پر خوش نہیں کہ تجھے تمام جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا جائے بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ सबसे ज्यादा महबूब कौन? हजरत जमी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमा हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से पूछा कि अय्युन नास काना अहब्ब इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قالت फातिमतु فقيل من الرجال قالت زوجها कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब कौन था? फरमाया फातिमा। फिर मैंने अर्ज किया, मर्दों में कौन? फरमाया उनके शौहर हजरत अली हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना इदा सा फरमाना फरकाना आखिरन नास अहदन बिही फातिमा वइजा कदमा मिन सफरिन काना अव्वलुन नास बिही अहदन फातिमा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सफर को तशरीफ ले जाते तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिलते और जब आप सफर से वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मुलाकात फरमाते। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत फातिमतु जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा उठने बैठने में चलने फिरने में आदात व इतवार में हुस्न व किरदार में गुफ्तार में सबसे ज्यादा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुशाबा थी। قالت وكانت اذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم حضرت ام المؤمنين فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں بوسہ دیتے اور محبت سے اپنی جگہ پر بٹھاتے اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم उनके पास तशरीफ ले जाते तो आप खड़ी हो जाती और आपके दस्ते मुबारक को चूम लेती और अदब व एहतराम से अपनी जगह पर बिठाती। तो हजरात मोहतरम इन अहादीस मुबारका से मालूम हुआ हजरत फातिमतु जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जन्नतुल फिरदौस की तमाम औरतों की सरदार हैं, उम्मत मुस्तफा में खैरुन निसा हैं। आप गोशे जिगरे मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले जाते तो अपनी बेटी के घर से रुखसत होते और जब वापस आते तो सबसे पहले अपनी ही शर्फ ज़ियारत से मुस्तफीद फरमाते। जब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अपनी बेटी से इस कदर मोहब्बत
गौर फरमाएं कि जिनके कदमों के बोसे अर्शे मुअल्ला ने लिए वो आका अपनी बेटी के पेशानी अकदस पर बोसा देते। हजरत मोहतरम शहजादी रसूल सैयदा बतूल रदी अल्लाह ताला अन्हा के खालिक कायनात के साथ खालिक कायनात भी मोहब्बत फरमाता है। जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत फरमाते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला फातिमा के गजबनाक होने से अल्लाह गजबनाक होता है, उसके राजी हो जाने से राजी होता है। सुभान अल्लाह। तो नबी के घर वालों से किस कदर मोहब्बत, आला हज़रत फरमाते हैं बागे जन्नत के हैं बहरे मदन खाने अहले बैत, तुमका मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत के शान क्या है। रूहुल तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 407 में है के हसनैन करीमैन से अकीदत मोहब्बत रखना, उनसे मोहब्बत आज तुम्हें बारगाह खुदाबंदी से मिलेगा। वमन माता आला आला हुब आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मम माता मोमिनन वमन माता आला हुब आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आले पाक से की मोहब्बत रखता हुआ फौत हुआ वो मोमिन मरा, और जो आले पाक के रसूल अल्लाह जो आले रसूल की मोहब्बत में मरा वो शहादत की मौत मरा। ये इनाम उन लोगों के लिए है जो आले रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं। अब सुनिए उन लोगों की सजा जो आले रसूल से बुग्ज़ व इनाद रखते हैं। अल्लामा रूमी फरमाते हैं, हुबे पाका कलीद जन्नत अस्त, दुश्मनाने ईशा सजाए लानत अस्त, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, वमम माता अला हुबुग्ज़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता काफिरा, वहुर्रिमतल जन्नत अला मिन ज़ुल्मिही अहलिल बैती, और जो आले पाक जो आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बुगज़ोर बुगज़ रखता हुआ मरा वो काफिर मरा, और जिसने मेरे अहले बैत पर जुल्म किया उस पर जन्नत हराम है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान क्या है। हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि इस हालत में देखा कि आप कम्बल ओढ़े हुए थे और उसमें कोई चीज उभरी हुई थी, जिससे ये मालूम हो रहा था कि उसमें जरूर कोई चीज है जिसे मैं ना जानता था। जब मैं अपनी जरूरियात से फारिग हुआ तो मैंने सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिदा का उमीवा भी, आपकी आगोश मुबारक में क्या चीज है। तो आपने कम्बल मुबारक का गोशा उठाया तो मैंने देखा आपकी आगोश मुबारक में हसनैन करीमैन जलवा फिगन है। फिर आपने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बुहुमा वअहिब्बु मन युहिब्बुहुमा। तिर्मिज़ी और मिश्कात की हदीस पाक है, ऐ अल्लाह मैं उनसे मोहब्बत रखता हूँ तो भी उनसे मोहब्बत फरमा, और उनसे भी मोहब्बत फरमा जो उनसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत दौरान खुतबा हजरत बुरैदा रदी अल्लाह ताला से
रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि अचानक हसनैन करीमैन मस्जिद में आ गए। बचपन का जमाना था, अभी पूरी तरह चलना नहीं आता था। दोनों शहजादों ने सुर्ख रंग का धारी दार कमीज जेब तन किया हुआ था। मस्जिद का फर्श ना हमवार होने की वजह से थोड़ा चलते और गिर जाते। जब आपने ये मंजर मुलाहिजा फरमाया तो मेंबर से नीचे उतरे और उन दोनों को उठाया, अपने सामने बिठाया, फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने सच फरमाया है, तुम्हारी माल और औलाद तुम्हारे लिए अजमाइश है। मैं इन दोनों बच्चों को चलते गिरते देखा तो मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, मैंने अपना खुतबा छोड़ दिया, उन दोनों को उठा लिया। सुभान अल्लाह, जिनके खातिर आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठा लिया। एक दफा इमामुल अंबिया हबीबे की बिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे कि इमाम हसनैन करीमैन इमाम हुसैन का बचपन का जमाना था। आप हुजरे फातिमा से निकले और मस्जिद में आ गए। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदा फरमा रहे थे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके पुश्ते अनवर पर बैठ गए। शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सजदा तवील फरमाया, फिर इमाम आली मकाम खुद ब खुद पुश्ते अनवर से नीचे उतरे और आपने सजदे से सर मुबारक उठा लिया। फिर जब नमाज से फारिग हुए तो सहाबे कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, क्या अब सजदों को तवील करने का हुक्म आ गया है या आप पर उस वक्त वही नाजिल हो रही थी जो आपने इस कदर तवील सजदा फरमाया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कोई वजह नहीं थी, बल्कि वजह ये थी कि मेरा बेटा ऊपर बैठ गया था, मेरे दिल ने पसंद ना किया कि मैं जल्दी उठूं और गिर जाए। अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 166। तो कुर्बान जाओ अजमत हुसैन पर कि जिसके खातिर शहंशाह दो आलम ने खुतबा बंद किया, सजदा दराज कर दिया, कहीं मेरा हुसैन मेरी पुश्त अनवर से गिर ना जाए। करोड़ों सलाम उस हैदरे कर्रार के दिले बंद पर, फातिमा के नूरे नजर पर, जिसने नाना के सजदे कहाँ अदा कर दिया, जिसने मैदाने कर्बला में सजदा ऐसा किया कि अर्श वालों ने हुसैन को सजदा करते देखा, फर्श वालों ने हुसैन को सजदा करते देखा, चश्मे फलक ने देखा तलवारों के साए में सजदा करते देखा, तीरों की बारिश में सजदा करते देखा। हुसैन के नाना ने जब सजदा किया तो सजदा दराज करने के बाद सरे अनवर उठा लिया, मगर हुसैन ने जब सजदे में सर रखा तो फिर ना उठाया, सर को झुके हुए सब ने देखा लेकिन उठते किसी ने नहीं देखा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उस नवासे पे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नाज है कि उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। हसनैन हुसैन के नाना ने हुसैन के लिए सजदा लंबा कर दिया, मगर कुर्बान जाओ हुसैन ने नाना के दीन के लिए, हको सदाकत की सरबुलंदी के लिए, हुदूद अल्लाह की तहफ्फुज के लिए 18 साल के नौजवान बेटे की लाशें उठाई, 6 माह के बच्चे तुर्बत बनाई, जिसने अजमत इस्लाम के खातिर जर दिया, घर दिया, सर दिया, जिसने अब्बास भाई को गले लगाकर शहादत की इजाजत दी, जिसने भाई हुसैन हसन की यादगार कासिम को अपने हाथ से दूल्हा बनाया, खुदा ताला की बारगाह में कुर्बान कर दिया, जिसकी बहन ने औनो मोहम्मद जैसे बेटे को खाको खून में तड़पने देखा तो सदै शुक्र अदा किया, जिसकी कमाई इस्लाम के काम आई, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सिपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। सुबहानअल्लाह, अहले बैत की क्या शान है, क्या मर्तबा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपकी आगोश मुबारक में दोनों साहबजादे जलवा फेगर हैं, एक आपका बेटा इब्राहिम, एक आपका नवासा हुसैन। आप दोनों शहजादों से प्यार फरमा रहे थे, कभी अपने बेटे से मोहब्बत कर रहे थे, कभी अपने नवासे हुसैन से मोहब्बत फरमा रहे थे।
तो मुबक्का भी अपने नवासे को सीने से लगाते। ये दोनों ही गुलशन नबूवत के बहार थे, दोनों ही चमनिस्तान रिसालत के महकते हुए फूल थे। आगोश रिसाल रसूल में खुशी व मुसद्दत का दौरा जहां आबाद था, उस आलम वजद व कैफियत में हजरत जिब्रील हाजिर हुए होते हैं। अर्ज करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम, आपके दोनों शहजादों में से किसी एक को वापस लेना चाहता है अल्लाह ताला। आपने फरमाया, जिब्रील, अल्लाह दोनों में से किसको लेगा? जिब्रील ने अर्ज किया, ये मामला अल्लाह ताला ने आप पे छोड़ दिया, जिसे चाहे रख ले, जिसे चाहे भेज दे। इमामुल अंबिया ने ख्याल फरमाया, अगर हुसैन को वापस करता हूँ तो उसके जाने से मेरी बेटी की गोद खाली हो जाएगी, हसन मुस्तफा का बाजू पड़ जाएगा। अगर इब्राहिम को वापस कर दूं तो फिर उसके जाने का गम सिर्फ मुझे ही होगा। फिर बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज किया, या अल्लाह, मैं अपने बेटे को गम को बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर अपने नूरे नजर लगते जिगर की गोद खाली होती हुई नहीं देख सकता। ऐ अल्लाह, मेरा इब्राहिम ले ले। और फिर तीन रोज बाद फर्जंदे रसूल सैयदना इब्राहिम रजी अल्लाह तआला का विसाले बाकमाल हो गया। वही रमजान मुबारक का महीना है कि हसनैन करीमैन दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। كتب الحسن والحسين في لوحين, हजरत हसन और हुसैन ने तख्तियां लिखी, फिर आपस में एक दूसरे से कहा, मेरा खत अच्छा है। फिर फैसला कराने के लिए रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहुंचे। कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ नाना जान, हम दोनों में से किसकी राइटिंग अच्छी है, कौन ज्यादा बेहतर लिखा है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप फैसला फरमा दें, हम दोनों में से खत किसका अच्छा है? आका अलैहि सलाम ने फरमाया, जाओ अपने अब्बा जान अली के पास चले जाओ, उनसे फैसला कराओ। हजरत अली के पास हाजिर हुए, अर्ज किया, अब्बा हुजूर, आप फैसला फरमा दे, खत किसका अच्छा है? उन्होंने कहा, अपने अम्मी जान के पास जाओ, उनसे फैसला कराओ। दोनों शहजादे हजरत अली हजरत फातिमतु जहरा की खिदमत में पहुंचते हैं। अर्ज करते हैं, अम्मी जान, हमारी तख्तियां देखकर फैसला फरमा दीजिए, किसका खत अच्छा है? सैयदा ने सोचा, अब किसको कहूँ तेरा खत अच्छा है? उन्होंने फरमाया, शहजादों, मेरे पास सात मोती हैं, मैं उनको तुम्हारे तख्तियों पर फेंकती हूँ, जिसकी तख्ती पर चार मोती गिर गए उसका खत ज्यादा अच्छा होगा। जब उन्होंने तख्तियां फैलाई तो सैयदा ने मोती उछालकर फेंके तो तीन तीन हसन और हुसैन की तख्ती पर गिरे। सातवां मोती अल्लाह की कुदरत से फिजा में ही रुक गया, और फिजा में कुदरत से फिजा ही में मालिक हो गया। खुदा ताला की तरफ से जिब्रील को हुक्म हुआ कि सातवें मोती के दो टुकड़े करके एक 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 टुकड़ा इमाम हसन हुसैन की तख्ती पर और एक टुकड़ा इमाम हुसैन की तख्ती पर रख दो। हुजूर ने फरमाया, इस फैसला पर जिब्रील करेंगे। जिब्रील ने कहा, इस फैसले को अल्लाह करेगा। जन्नत से सेब मंगाया गया, कहा, हवा में फेंको, जिसकी तख्ती पर से आ पड़ेगा उसका खत अच्छा होगा। सेब के दो टुकड़े हो गए, एक इमाम हुसैन के, एक इमाम हसन के। एक इस रिवायत में कहीं सेब और कहीं मोती का तस्करा आया है, सुबहान अल्लाह। बहरहाल दोनों के दिल नहीं तोड़ा गया, दोनों के दिल रखा गया। अल्लाह अल्लाह, क्या है, क्या शान है अल्लाह के महबूब के घर वालों की। एक मर्तबा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबी हिरनी का एक बच्चा पकड़ लाया, आपकी बारगाह में बतौर नजराना पेश कर दिया। आपने कबूल फरमाया और वो हिरनी का बच्चा इमाम हसन को अता फरमा दिया। आप खेलते खेलते घर पहुँचे तो इमाम हुसैन ने अर्ज किए, भाई जान, हिरनी का बच्चा मुझे दे दो। उन्होंने कहा, जाओ तुम भी नाना जान से ले आओ। इमाम हुसैन नाना जान की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, नाना जान, मुझे भी हिरनी का बच्चा अता फरमाओ। हिरनी का बच्चा
हमेशा तलब करते हुए करीब था कि आप रो पड़ते, मगर क्या देखते हैं कि जंगल की तरफ से एक हिरनी दौड़ती हुई चली आ रही है। फिर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह, पहला बच्चा जो आपके पास पहुँचा वो भी मेरा था, अब ये दूसरा बच्चा मैं खुद लेकर हाजिर हुई हूँ, उसे भी कबूल फरमा लीजिए। महबूब, मैं अपने बच्चों की जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे हुसैन का रोना मुझे बर्दाश्त नहीं। सुबहानअल्लाह। अल्लाह ताला हम सभी को अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। खूब की शेर चमन फून चुले फून चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा बाद रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा कुरैशी औरतें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगीं, ऐ अबुल कासिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ शादी है, ये तो दुरुस्त है कि हम तुम्हारे दीन से अलाहिदा हैं, मगर रिश्ते दारिश्तादारी का लिहाज रखते हुए आप अपनी बेटी सैयदा फातिमा को हमारे घर शादी के तकरीब में भेज दें। उनके उस सवाल पर पहले तो आप खामोश रहे, फिर फरमाया, अच्छा तुम जाओ, हम फातिमा को तुम्हारे घर भेज देंगे। जब वो चली गई तो जनाबे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरते फातिमतु जहरा रदी अल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, प्यारी बेटी, आज कुरैश की चंद औरतें ये दरखास्त लेकर मेरे पास आई थी कि तुम उनकी शादी में शिरकत करो। हमारी शान रहमत और शफ़क़त का यही तकाजा था कि हमारे दर पर आया हुआ कोई सवाली खाली हाथ न जाए, इसलिए हमने उनसे वादा कर लिया है। अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। जनाबे सैयदा ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मैं ये सोच रही हूँ वहाँ कुरैश के सरदारों की औरतें भी आएंगी जो बेशकीमती रेशमी लिबास में मलबूस और सोने चांदी के जेवरात से आरास्ता होंगी, सजी होंगी, और वो मेरे फटे पुराने लिबास और पेवंददार चादर को देखकर न सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ाएंगी, बल्कि इस्लाम और आपकी शान रिसालत में जबान दराजी भी करेंगी। अब्बा हुजूर, अगर आज मेरी वालिदा माजिदा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हयात होती तो सारा इंतजाम फरमा देती, मगर उस इस दारे फानी से रुखसत हो गई। कमली वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे प्यारी बेटी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अगर जनाने कुरैश दुनियावी जेवर से मुजय्यिन है तो तुम दौलत ईमान से माला माल हो, वो तो सिर्फ मक्का के सरदारों की औरतें हैं और तुम सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हो, जन्नत की औरतों की सरदार हो, उनके पास दुनिया का साजो सामान है तो तुम्हारे पास दौलत ईमान है। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी ये फरमा ही रहे थे कि हजरत जिब्रील अलैहि सलाम हाजिर हुए और हदीए सलातो सलाम पेश करने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ला शानहू का इरशाद है कि आप अपनी साहबजादी हजरत फातिमतु जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाए कि वो अपने फटे पुराने लिबास में ही से परेशान ना हो, वो उसी लिबास में कुरैश मक्का के सरदारों की औरतों में जाएं, फिर हमारी कुदरत का नजारा देखें। जब सरवरे कायनात फखरे मौजूदात अलैहि सलातो व सलाम ने हजरत सैयदुन्निसाउल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये मुस्दा जाफिजा सुनाया तो सैयदा ने जब ये फरमाने खुदावंदी सुना तो आपने अपनी फटी पुरानी चादर ततहीर को सर पर रखा और सोए खाना शादी और रवाना हो गई, और इधर कुरैश की औरतें इंतजार कर रही थी कि देखें चांद को दो टुकड़े करने वाले नबी की बेटी किस शान से आती है। चुनांचा वो औरतें हजरत सैयदतुन्निसा का राह देख ही रही थी कि यकायक कानों में आवाज आई, ऐ कुरैशी औरतों, अदब और एहतराम के साथ
खड़ी हो जाओ और ताजीम बजा लाओ, इसलिए कि शहजादी कौनैन जिगर गोशे रसूल सकलैन तशरीफ ला रही हैं। चुनांचा कुरैशी औरतें खड़ी हो गई और क्या देखती हैं कि मलके फिरदौस से बरी सैयदतुन निसाउल आलमीन नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन इस शान से तशरीफ ला रही हैं कि उनके मलबूसात से फूटने वाले अनवार से दरो दीवार रोशन हो रहे हैं। सैकड़ों कनीजें उनके साथ हैं, किसी ने चादरे मुबारक को थाम रखा है, कोई पंखा झल रही है और कोई जनाबे सैयदा के खाके पाक को बोसा दे रही है। कुरैशी औरतों ने जब ये देखा कि हजरत सैयदा ने ऐसा बेहतरीन लिबास जेतन फरमाया है कि जो कभी देखने में ना आया था, चुनांचा आपके इस लिबास और इज्जत को करामत को देखकर कई कुरैशी औरतें कैदे कुफ्र से रिहा हो गईं और कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गईं। सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का एक मर्तबा का वाकया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अली तशरीफ फरमा थे, बैठे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरबारे रिसालत से जब घर तशरीफ लाए हजरत अली, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो वाकया सुन के आया था वो बेचैन और बेकरार कर रहा था, तो उसी फिक्रों में थे कि हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, ऐ सरताज क्या वजह है कि आज आप भर ताकीर से तशरीफ लाए। ताजदारे विलायत ने कहा, ऐ बिनते रसूल, आज मैं अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में हाजिर था, आप अपने इरशादाते आलिया से हमें मुस्तफीद फरमा रहे थे, मैं भी उनके प्यारी प्यारी बातें सुनता रहा, इसलिए देर हो गई। जनाब सैयदा ने पूछा, आज मेरे अब्बा जान ने आपसे मेरे अब्बा जान से क्या सुनकर तशरीफ लाए हैं? तो जनाब अली ने कहा, आज मेरे नबी अलैहि सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की बेटी के जहेज का भी जिक्र फरमाया। हजरत सुलेमान ने अपनी बेटी को जहेज में एक ऐसी जूती दी थी जिस पर जौहरात जड़े हुए थे, अपने दामाद को एक ताज दिया था जिसमें हीरे और मोती लगाए गए थे। हजरत सैयदुन्निसा जब ये बात सुनी तो दिल में ख्याल आया, आज मेरे शौहर ने ये बात शायद इसलिए दोहराई है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को जहेज में बहुत कुछ दिया था और मेरी जहेज में बड़ा मुख्तसर सामान था। चुनांचा हजरत अली उल मुर्तदा रजी अल्लाह ताला अन्हो जब रात को सोए तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत में एक अरफाओ आला मकाम पर एक नूरानी तख्त पर जलवा फरमा है, हजारों हूरे गिलमा में खड़ी हैं उनमें से एक लड़की का हुस्न व जमाल बेमिसाल, शान व शौकत हूरों के हुस्न व जमाल पर गालिब आ रही थी, हाथों में दो तश्त मोतियों और जौहरात के भरे हुए खड़ी हैं, बार बार जनाबे सैयदा की तरफ देख रही हैं, आप उसकी जानिब एक नजर ही देख लें। हजरत अली मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्होंने पूछा, ये लड़की कौन है? हजरत फातिमा फरमाती हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी है। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी का क्या मर्तबा, क्या शान है। एक मर्तबा शाह हफ्शा ने शहंशाह दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में कीमती तहाय भेजे जो कि मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए। शाह हफ्शा ने एक बेश कीमती जवाहिर निगार एक जोड़ा बाजू बंद हजरत सैयदुन्निसा रदी अल्लाहु ताला अन्हा के लिए अलाहिदा भेजा, ये ताकीद फर मजीद की कि ये तोहफा बिनते रसूल को पहुंचा दिया जाए। जब वो बाजू बंद शहजादी मुस्तफा के घर पहुंचा दिए गए, जनाबे सैयदा को तो जेवरात से मोहब्बत
ہی نہ تھی، اس لیے انہوں نے فقر و فاقہ کہنے والے آقا علیہ السلام کے گود میں پرورش پائی تھی، انہیں ان زیورات کی چاہت بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال نجاشی کے ہدیہ کیے ہوئے بازو بند اس لیے پہن لیے تاکہ اس کا پورا پورا اجر و ثواب حاصل ہو جائے۔ ابھی سیدہ نے بازو بند پہنے ہی تھے کہ یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ ابا حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، دستے مبارک کو بوسا دیا اور امام الانبیاء شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے سر پر شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کے بدلے؟ فرمایا کہ جواہر نگار کنگن تم نے کیسے پسند کر لیے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم دنیا کے بدلے آخرت کو ترجیح دیتے ہیں؟ جناب سیدہ نے عرض کی، ابا حضور یہ نجاشی کا تحفہ تھا، میں نے پہن لیا، ابھی اتار دیتی ہوں۔ آقا علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، جناب سیدہ نے کنگن اتار دیے اور فروخت کرنے کے لیے بھیج دیے۔ کنگن تو بازار پہنچ چکے تھے مگر بنت رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسوؤں کی لڑیاں بہ رہی تھی۔ آپ یہ فرما رہی تھی، کاش میں یہ کنگن نہ پہنتی جو میرے ابا جان کے پریشان ہونے کا سبب بنا۔ اے اللہ میری خطا معاف فرما دے۔ چنانچہ بازو بند فروخت ہو گئے، ان کی قیمت سیدہ کے ہاتھ آئی تو آپ نے اسے مدینہ منورہ کے غریبوں یتیموں مسکینوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب چوکھٹے فاطمہ پر فقیروں کے شور و گل کی آواز آقا علیہ السلام تک پہنچی تو سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، یہ شور و گل کیسا؟ تو انہوں نے عرض کی، حضور سیدہ فاطمہ کو نجاشی نے جو بازو بند بھیجے تھے سیدہ نے انہیں فروخت کر دیا، بیچ دیا ہے، اب وہ رقم محتاجوں میں تقسیم کر رہی ہیں۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ پا برہنہ ننگے پاؤں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے، اپنی پیاری بیٹی کو آگوش میں لے لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹی ہمیں تو روز قیامت گنہگاروں کی شفاعت کرنا ہے، اس لیے دنیا کی راحت کو چھوڑ کر ہم نے فقیری اختیار کر لیا ہے۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک سائل نے صدقہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ میں فاقے سے ہوں، صدا دیتے ہوئے عرض کیا کہ میں فاقے سے ہوں۔ اس وقت سرور کائنات علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں جلوہ فروز تھے، اس وقت گھر میں روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا بھی موجود نہ تھا، چونکہ سائل کو عطا کیا جاتا۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم میری بیٹی فاطمہ کے گھر دروازے پر جاؤ۔ سائل چوکھٹے بطول پر حاضر ہو گیا، عرض کیا، اے اہل بیت رسول میں کئی روز سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا عنایت فرمائیں۔ مادر حسنین کریمین نے جب سائل کے درد بھری آواز سنی تو دل بھر آیا، مگر سید النساء کے گھر میں جو گھر میں بھی دروازے سے فاقہ تھا، کئی روز سے فاقہ تھا، کوئی چیز بھی ایسی نظر نہ آتی جو سائل کو دے دی جائے۔ آخر ایک بکری کی کھال کے مسلے پر نماز نظر پڑی، جس پر حسنین کریمین شہزادگان بطول آرام فرما تھے۔ جناب سیدہ نے دونوں شہزادوں کو مسلح سے اٹھایا اور زمین پر لٹا دیا اور اسے جھاڑ کر سائل کو عطا کر دیا اور فرمایا، اسے فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اللہ اللہ کیا شان ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کی۔ حضرت درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
حضرت فاطمۃ الزہرا کے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت کا شانہ ولایت پر آئی. اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جس کا کرتا پھٹا پرانا تھا. بچے کے اس پیراہن کو دیکھ کر سیدہ تڑپ گئی. ادھر اس عورت نے سوال کر دیا، اے سیدہ، اگر تیرے شہزادگان میں سے کسی کے اتری ہوئی قمیض ہو تو میرے بچے کو عنایت فرما دیجئے. حضرت سیدہ پہلے ہی بچے کی پھٹی ہوئی قمیض دیکھ کر پریشان تھی. آپ نے اپنے بیٹے حسن مجتبی جو اس وقت سو رہے تھے، کیا ان کے گلے سے قمیض اتار کر اس بچے کو دے دی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرانی قمیض دھو کر پہنا دی. سید النساء نے اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے سائل کا سوال پورا فرما دیا. بنی سلیم کے قبیلے میں ایک اعرابی دربار رسالت میں حاضر ہوا اور آتے ہی بڑی بے ادبی سے کلام کرنے لگا. سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے جب اس کا یہ رویہ دیکھا تو غصے سے سب کے چہرے سرخ ہو گئے. سیدنا فاروق اعظم نے اپنی تلوار میان سے باہر نکال لی تاکہ اس گستاخ کا سر قلم کر دیا جائے، مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو ایسا کرنے سے منع کر دیا. آپ کے اخلاق حسنہ کو ملاحظہ کر کے اس اعرابی کے دل دنیا بدل گئی اور وہ تاجدار دو جہاں سرتاج مرسلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. پھر عرض کی، آقا مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے. بعدہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نہایت مفلس اور نادار اور فاقہ سے ہوں، میرے اہل خانہ بھی فاقہ سے ہیں، میری حاجت اور روائی فرمائی جائے. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی طرح مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس عرابی کو اونٹ دے دے. یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، آقا میرے پاس ایک ہی اونٹنی ہے، میں ابھی لائے دیتا ہوں. پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کے ننگے سر کو ڈھانپے تو حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے سر سے امامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس فاقہ مست اور اس کے اہل خانہ کے لیے کھانے کا سامان مہیا کرے. یہ فرمان نبوی سن کر تمام صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے؟ وہ فقر و فاقہ کا زمانہ تھا جب کوئی بھی نہ اٹھا تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے سلمان فارسی، سلیمان نہیں بلکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس سائل کو ساتھ لے جاؤ اور مدینہ منورہ کے مہاجر اور انصار کے مکانوں پر لے جاؤ، جہاں سے بھی ہو سکے اس کی حاجت کو پوری کرو. چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عرابی کو ساتھ لے کر مہاجرین و انصار کے مکانوں پر گئے، مگر ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. آخر کار انہوں نے سوچا کہ اس در اقدس پر جانا چاہیے جہاں سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں گیا. چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرابی کو لے کر سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چوکھٹ پر حاضر ہو گئے. جب حضرت سلمان فارسی عرابی کو لے کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر پہنچے اور عرض کیا، یا سیدہ، یہ ایک سائل ساتھ لایا ہوں، یہ خود بھی بھوکا ہے اور اس کے گھر والے بھی فاقے سے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو اپنے گھر پر نظر ڈالی، مگر گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نہ تھی
जिससे उस साहिल की हाजत को पूरा किया जा सके। आपके पास एक ही चादर थी जिसकी तरफ बार बार नजर जाती। चुनांचे आपने अपनी चादर तत्हीर उठाई और ये कहते हुए हजरत सलमान फारसी को दे दी, इस चादर को शमऊन यहूदी के पास ले जाओ और उसे कहना ये बिनते रसूल की चादर है, उसे खरीद लो, उसके एवज जितना गल्ला देना चाहो उस साहिल को दे दो। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रिदाए पाक वो चादरे पाक को लिया और शमऊन यहूदी के पास पहुंचकर सारा वाकया बयान कर दिया। शमऊन ने जब ये वाकया सुना तो चादरे तत्हीर के बदले उस आराबी को गल्ला दे दिया, आराबी का काम भी बन गया और उसके साथ शमऊन यहूदी की तकदीर बदल गई। दिल ही दिल में सोचने लगा कि जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साहबजादी के कुर्बान एसार का ये आलम है, वाकई वो सच्चे नबी हैं, वो रहम दिल हैं। चुनांचा उसने उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया और हजरत फातिमा के चादरें मुबारक वापस भेज दी। हजरत अल्लामा इकबाल इस मकाम पर फरमाते हैं कि मुजर्रा तस्लीम रा हासिल बुतूल मादर्रा उस्वाए कामिल बुतूल बहरे मोहताजे दिलश आ बू नसुख्त नासोख या यहूदी चादरे खुद राफरो। सुभान अल्लाह। दरुदे पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरते ग्रामी, खुदावंदे करीम ने सैयदुल निसा की तसद्दुक ही के सदके गुनाहगार उम्मत की बख्शिश का वादा फरमाया। वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन हतमन मक्दिया थुम्मा नुनज्जिल लदीना लदीना तक़ौ व नज़्रु ज़ालिमीना फीहा जित्तिया। 16 पारा सूरे मरियम आयत नंबर 71 से लेकर 72 तक। हजराते ग्रामी, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम में कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर दोजख पर ना हो, तुम्हारे रब के जिम्मा ये ठहरी हुई बात है, फिर हम डर वालों को बचा लेंगे और जालिमों को उसमें छोड़ देंगे, घुटनों के बल गिरेंगे। जब ये आयते करीमा नाजिल हुई तो जनाब सरवरे कायनात रूहे दो आलम नबी मुअज्जम शहंशाह दूसरा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक से आंसू जारी हो गए और फिर उसी गमे उम्मत में रोते हुए जबले सलाह के दामन में तंग तारीख गार में तशरीफ ले गए। वहाँ सर बा सुजूद होकर बारगाहे रब्बुल इज्जत में अपने उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश की दुआ मांगने लगे। चुनांचा सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो गार में गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ मांग रहे थे, मगर आशिकाने रसूल सहाबे किराम रदियल्लाहु तआला अजमईन आपकी फुरकत और जुदाई में गिरिया किना थे, हर तरफ उदासी ही उदासी चाही थी। आरिफ रोमी फरमाते हैं कि उस आलमे हुजन मनाल मलाल में एक सहाबी जब महबूबे पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारे मदीना में तलाश कर चुका, आपको कहीं नहीं पाया तो रोता हुआ जंगल की तरफ चल दिया। क्या देखा, जंगल में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। सहाबी रसूल ने उस चरवाहे से पूछा, अरे चरवाहे, क्या तूने काली काली जुल्फ वाले माजागल बसर आंखों वाले नूरानी चेहरे वाले मेरे आका अलैहि सलाम को यहाँ से गुजरते हुए देखा तो नहीं? चरवाहे ने जवाब दिया कि कहा, मुझे तेरे महबूब की कोई खबर नहीं और मैं नहीं जानता कि मोहम्मद किसका नाम है। फिर जब उस चरवाहे ने उस सादिक के हाल उजार को देखा तो कहने लगा, मैं तेरे महबूब को तो नहीं जानता, हाँ एक नबी एक नई बात मेरे इल्म में आई है। वो क्या है? मुझे इस कदर मालूम है कि उस सामने वाले तंगो तारी गार में कोई रातों दिन रोता रहता है और या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती की सदाएं देता रहता है। उसके दर्दनाक आवाज को सुनकर मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। ऐसा मालूम होता है जैसे मेरे जानवर भी उसके गम में रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। जब उस चरवाहे ने ये बातें बयान की
तो उम्मीद की किरण फूटी। आशिके रसूल समझ गया वो मेरे आका ही हैं होंगे। चुनांचा वो तेजी तेज तेज कदम उठाता हुआ उस गार की तरफ बढ़ा। जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखा कि आप सरबा सुजूद हैं और खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि अल्लाह हमारी उम्मत गुनहगार उम्मती को बख्श दे। जनाबे सईदुल मुरसलीन जारो कतार रो रहे हैं, बारगाह खुदाबंदी में अर्ज कर रहे हैं, अरे रब्बुल आलमीन जब तक तू मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश का वादा न फरमाएगा मैं अपना सर सज्जे से न उठाऊंगा, हत्ता कि इस तरह कयामत भी कायम हो जाए। जब आप ये फरमा लेते तो फिर दिल पर दर्द और चश्मे अश्कबार से रोना शुरू कर देते और फरमाते अरे रब्बुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा बंदा हजार हजारों इल्तिजाओं और आहों के साथ तेरे दरबार में हाजिर है, तेरा मुस्तफा रोता हुआ अपनी उम्मत के गुनाहों की मगफरत का तालिब है, या अल्लाह तेरे दरबार में तेरा फकीर हाजिर है, या अल्लाह इनाने खल्क तेरे हाथ में है, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। दीगर सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन भी आपकी तलाश में वहाँ पहुँच चुके थे, उन्होंने जब आपकी हालत देखी वो भी रोने लगे। शफीउल मुज़नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगे अय गुनाहगारों के गमखार, नबियों के ताजदार, गरीबों के वाली, यतीमों के मौला, सियाहकारों और बदकारों के गम में रोने वाले आका, अपना सरे अकदस सज्दे से उठाएं, आपके गुलाम चेहरे अनवर की ज्यारत के लिए बेकरार बेताब हैं। अय हमारे आका मौला आपके शहर मदीना के दरो दीवार भी सोगवार हैं, लिल्ला हम पर करम फरमाए। ऐ तमाशा गाहे आलमे रुवे तू कुजा बहरे तमाशा मी रुवी। आशिकाने मुस्तफा रोते हुए बारगाहे हबीब में फरियाद कर रहे हैं, ऐ आका सज्दे से सरे मुबारक उठाएं और मुश्ताकाने दीद को जमाले जहां आ रहा है से बहरावर फरमाएं। मगर आप सर सज्दे में रखे हुए और रो रो कर दुआ में दुआएं मांग रहे हैं। आखिरकार मायूस होकर कुछ असहाब हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाह तआला दरे अकदस पर हाजिर हुए और तमाम वाकया बयान करने के बाद कहा, हमने बड़ी इल्तिजा की मगर आका अलैहि सलाम सज्दे से सर अनवर नहीं उठाए, हमें उम्मीद है कि आप उनके बारगाह में हाजिर होकर अर्ज कर दें तो हमारा काम ही बन जाए। जनाब सैयदा ने ये वाकया सुना तो उनकी आंखों ने भी अश्कबार शुरू कर दी। हजरत इधर सईदुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में रो रहे थे कि इधर बिनते रसूल अपने वालिदे गिरामी की फिराक में रो रही थी और उधर सहाबा इकराम हुजूर की मोहब्बत में रो रहे थे। हसनैन करीमैन की आगोश मुकद्दस में खेलने वाले शहजादे अपने नाना जान की जुदाई में रो रहे थे। बच्चे जब अपने मादरे मोहतरम से पूछते अम्मी जान हमारे नाना जान कहाँ हैं तो जनाबे सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तड़प कर रह जाती। शहजादे रसूल सैयदा बतूल अपने वालिदा वालिद गिरामी के खिदमत में हाजिर होने के लिए तैयार हो गई। आपने अपने लिबास के ऊपर जो चादर उड़ी वो ऊन का एक कंबल था, कई जगहों से फटा हुआ था और 12 मुख्तलिफ कपड़ों के पेवन लगे हुए थे। मखदूमे कायनात बिनते रसूल का ये सादा पेवन दार लिबास देख सारे जहान की औरतें के लिए मशाले राह है। अगर कायनात के वाली की बेटी पेवन दार लिबास पहनकर फकर और फाका में जिंदगी बसर कर सकती है तो हमारी औरतें अगर सादा लिबास पहनना शुरू कर दें तो क्या हर्ज है। काश हमारी माँ बहनें और बेटियां जाहिरी सज धज और बनाव सिंगार के बजाय आमाले सालिहा की जीनत से मुजयिन हो जाएं। हजरत सईदा पाक ने उसी पेवन वाले कम्बल से जिसमें अतहर को इस तरह लपेट लिया कि कोई दूसरा कपड़ा नजर न आता था, फिर आप असहाबे रसूल की बीवियों के साथ उस गार में तशरीफ ले गईं जहां ताजदारे मुर्सला उम्मत के गुनाहों के बख्शिश के लिए रो रहे थे। हजरत सैयदा जब गार में पहुंची तो क्या देखती हैं, अब्बा हुजूर ने नौ नोकीले पत्थरों पर पेशानी अनवर रखी हुई थी और उम्मत के लिए दुआ मांग रहे थे। जनाबे सैयदा ने जब ये हालत देखी तो अर्ज की, क्या मेरे प्यारे अब्बा जान हुजूर
حضور فاطمہ کی جان تمہارے نام پر قربان، سر انور کو سجدے سے اٹھائیں، سر انور کو سجدے سے اٹھائیں اور مجھے غم زدہ اور مہجوروں کو شرف زیارت بخشیں۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کی بیٹی آپ کے غم میں بے قرار ہے۔ اے ابا جان، سر سجدے سے اٹھا کر میری اشکبار آنکھیں دیکھتے ہیں، دیکھیے اب مجھ سے آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، میں تو آپ کا انتظار کرتے کرتے موت کے منہ میں چلی جا رہی ہوں۔ ابا جان، اپنے گناہگار امت کی بخشش کا غم نہ کرو، میں روزے محشر آپ کی امت کے اعمال میں اپنے حسن کا زہر آلودہ جامہ رکھ دوں گی، اگر بھی پھر بھی پورا نہ ہوا تو اپنے حسنین کے خون آلودہ قمیض رکھ کر پورا کر دوں گی۔ سیدہ کی اس آہ و فغا کے باوجود سید المرسلین نے سر سجدے سے نہ اٹھایا، پھر سید النساء نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ، آج تک میرے تیرے محبوب پاک کی بیٹی کے سر کے بال بھی کسی نے نہیں دیکھا، آج تیرے حضور اپنے چادر تطہیر اتار کر دعا مانگتی ہوں کہ اے میرے ابا کے حضور کے تمام امتی کی بخشش فرما دے۔ سیدہ پاک نے اپنا دست اقدس ابھی چادر کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ حضرت روح الامین پیغام رب العالمین لے کر بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اپنی پیاری فاطمہ سے فرما دو وہ اپنی چادر تطہیر سر سے نہ اتاریں، اللہ کریم نے آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کی شان۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا حضور نبی کریم کی جدائی ایک لمحہ کے لیے برداشت نہ کر سکتی تھی، چنانچہ جب تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار فانی سے پردہ فرمایا تو جناب سیدہ شب و روز اپنے ابا جان کے فراق میں روتی رہتی۔ اسی درد و علم میں 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بنت رسول نے حسنین کریمین کو نہلا کر کپڑے پہنائے، زلفیں سواری، اپنے ہاتھ سے آٹا گوند کر انہیں کھانا کھلایا۔ حضرت علی نے جب یہ مصروفیت دیکھی تو فرمایا، اے نور چشم رحمت للعالمین، اے حسنین کی مادر مہربان، کیا وجہ ہے آج تم نے خلاف معمول بڑے اہتمام کے ساتھ شہزادگان کو نہلایا اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا؟ مولا کائنات کے اس سوال پر مخدومہ کائنات حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے میرے سرتاج، ہماری اور تمہاری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آج رات مجھے خواب میں ابا حضور کی زیارت نصیب ہوئی، کیا دیکھتی ہوں آپ میرے سرحانے تشریف فرما ہیں اور ادھر ادھر ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کسی کا انتظار ہو۔ چون ہی میں نے ابا جان کو دیکھا تو بیتاب ہو کر پکار اٹھی، یا ابتاہو، اینا انتا، اے ابا جان آپ کہاں ہیں؟ میں تو آپ کے لیے بے قرار بے چین ہوں، آپ کی فرقت میں تڑپتی رہتی ہوں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے فرمایا، اے جانے پدر، سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانے پدر، ایام فراق گزر گئے، وقت وصال قریب آ گیا، اب تم جلد مجھ سے آمل ہوگی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس خواب کو بیان کرنے کے بعد جناب سیدہ نے عرض کیا، اے حسنین کے ابا جان، میرا خیال ہے آج شب میں تم سے جدا ہو جاؤں گی، اس لیے اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کر اپنے حسنین کو کھلا رہی ہوں اور انہیں کپڑا پہنا کر دولہا بنا رہی ہوں۔ میرے وصال کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، وہ میرے بعد روٹی کس سے مانگیں گے؟ وہ امی کہہ کر کسے پکاریں گے؟ نامعلوم
उनके कपड़े कोई धोए या ना धोए। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा ने जब सैयदा की गुफ्तगू सुनी तो आंखों में आंसू जारी हो गए। जनाबे सैयदा ने अर्ज किया, आए शेरे खुदा गमे मफारकत में सब्र करना, मेरे विसाल के बाद न रोना, तुम्हारे रोने से मेरे छोटे छोटे बच्चे को सदमा होगा, हसन और हुसैन को सदमा पहुंचेगा, उनके सदमे से मेरी रूह परेशान होगी। फिर मखदूमे कायनात ने चंद वसीहत फरमाई, अगर मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो खुदा के लिए मुझे माफ फरमा दें। दूसरी बात यह है, मेरे विसाल के बाद मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, उन पर शफकत फरमाना, उन्हें रोने ना देना, उन्हें यतीमी का एहसास ना होने देना। तीसरी वसीयत यह है, मेरा जनाजा रात के वक्त उठाना। चौथी वसीयत यह है, मुझे भुला ना देना, मेरे कब्र पर तशरीफ लाते रहना, मेरे लिए दुआए खैर फरमाते रहना। ये वसीयतें सुनकर जनाबे मौला मुश्किल कुशा की आंखें अश्कबार हो गई और रोते हुए फरमाया, तुम्हारी वसीयतों पर पूरा पूरा अमल किया जाएगा। बाद अजान हजरत सैयदा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा बिनते उमैस जौजा सैयदना सिद्दीक अकबर की तरफ मुतवज्जा हुई और उनसे फरमाया, ऐ अस्मा मुझे उस बात की ज्यादा फिक्र है कि मेरा जनाजा जब बाहर जाएगा तो लोग देखेंगे। हजरत अस्मा ने अर्ज किया, या सैयदा मैंने हबशा में देखा है कि औरतों के जनाजों पर नरम शाखों को कमान की तरह बांधकर ऊपर से चादर डाल देते हैं, इस तरह जनाजा निकालने से पर्दा दरी रहती नहीं रहती। जनाब सैयदा ने वो गहवारा बनवाकर मुलाहिजा फरमाया और बहुत खुश हुई। फिर वसीयत फरमाया, यानी आपने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक की जौजा कि जनाजा निकालने से पर्दा दरी होती है, और बहुत खुश हूँ। फरमाया, वसीयत फरमाई कि मेरा जनाजा उसी गहवारा में उठाया जाए, ऐ अस्मा मुझे गुसल भी तुम देना। जनाबे सैयदा ने हजरत अस्मा से फरमाया, तुम थोड़ी देर के लिए हुजरे से बाहर चली जाओ ताकि मैं थोड़ी देर अपने रब के हुजूर मुनाजात अर्ज कर लूं। हजरत अस्मा हसबे हुक्म बाहर तशरीफ ले गईं। चंद लम्हे गुजर जाने के बाद जब आपके दिल में कुछ ख्याल आया, दरवाजे के करीब आ गईं। हजरत अस्मा ने जब दरवाजे पर कान लगाया तो अंदर से आहो फिगा की आवाज आ रही थी। हजरत अस्मा बेताब होकर हुजरे के अंदर तशरीफ ले गईं तो क्या देखती हैं, मखदूमे कायनात बिनते रसूल सैयदा बुतूल रदी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह खुदावंदी में सजदा रेजा हैं और रोते हुए बारगाह खुदावंदी में ये दुआ मांग रही थी कि अय मेरे अल्लाह, अय मेरे पाक परवरदिगार आलम, मेरे अब्बा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके से मेरे जिगर गोशों को मेरे विसाल के बाद सब्र अता फरमाना। अय अल्लाह मेरे अब्बा हुजूर के सदके में मेरी खताएं माफ फरमा। अय अल्लाह मेरे अब्बा जान के सदके मेरे अब्बा हुजूर के गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये मुनाजात सुनी तो आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए। हजरत सैयदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हजरत अस्मा की रोने की आवाज सुनी तो सजदे से सर उठाया और फरमाया, ऐ अस्मा मैंने तुमसे कहा था तुम थोड़ी देर बाहर रहना। हजरत अस्मा फिर बाहर चली गई। हजरत अस्मा फरमाती हैं, मैं फातिमतु जहरा के हुक्म पर बाहर आ गई, कुछ देर इंतजार किया, फिर मैंने दरवाजा पर आहिस्ता से आवाज दी, या कुर्रतु ऐनी रसूल, मगर कुछ जवाब ना मिला तो फिर पुकारा, या सैयदतुन निसाई या बिनते मुस्तफा, फिर मुझे जवाब ना मिला तो मैं बेताब होकर अंदर दाखिल हो गई। आपके चेहरे अनवर से दारुल बका की तरफ प्रवास कर चुकी थी, चेहरे अनवर से चादर मुबारक को हटाया तो देखा कि आपकी रूह पाक कब से अंसरी से परवाज कर गई, दारुल फना से दारुल बका की तरफ चली गई। अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हम सभी को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
सुन्नतों पर और आपके बताए हुए तरीके पर अल्लाह हम सभी को जिंदगी गुजर बसर करने की तौफीक अता फरमाए और अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सभी के खताओं को माफ फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं, मैं निसार तेरी कलाम पर मिली हूँ तो किसको जबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी की क्या शान है। इसीलिए तो आला फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और यही वो फातिमा है कि जब दुआ करें तो अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूल फरमाता है कि इमाम हसनैन करीमैन ईद का दिन था और इमाम हसन और हुसैन अपनी वालिदा मोहतरमा से कहते हैं, अम्मा जान आज ईद का दिन है, सारे बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, हमें भी नए कपड़े चाहिए। तो हजरत फातिमतुल ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला बच्चों की एक दर्द भरी आवाज को सुना तो जा नमाज बिछाती हैं, मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में सर को रख देती हैं और दुआ करती हैं कि पाक परवरदिगारे आलम तेरी नाचीज कमतर बंदी हजरत फातिमा तुझसे सवाल करती है कि अब हमारे साहबजादों को कल आज ईद है, आज ईद का दिन, कल ईद का दिन है, बच्चे नए नए कपड़े पहने होंगे, अय अल्लाह तू अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मेरी दुआ कबूल फरमा दे, हुक्म कबूल फरमा ले, मेरे बच्चों को लिबास अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, दुआ कबूल हुई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत से दो जोड़े लाए हसनैन करीमैन के घर, सुबह सुबह जब कुंडी खटखटाई फरमाया कौन, तो हजरत फातिमा ने फरमाया कौन है, तो बाहर से साहिल जवाब दिया कि अहले बैत का दर्जी हूँ, मैं कपड़ा लेकर आया हूँ। कपड़ा दे दिया, चले गए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब फातिमा के घर तशरीफ लाए, फरमाया फातिमा क्या तुम जानती हो इमाम हसन और हुसैन का जो कपड़ा लेकर आया था वो कौन था, कहाँ से था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने पर हजरत फातिमतुल ज़हरा फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मालूम नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया ये हजरत जिब्रील से जिब्रील थे और जन्नत से जोड़े लाए थे तुम्हारे साहबजादों के लिए। सुभान अल्लाह।